डायरेक्शन है आपका? हाय, दिस इज अद्विका शर्मा। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, और मैं मुंबई में हूँ 5 साल से और स्ट्रगल कर रही हूँ इंडस्ट्री में। क्या नाम बताया? अद्विका। अद्विका शर्मा। अद्विका, या तो कैसी है आपकी जर्नी? अगर आपकी जर्नी की बात करें तो बॉलीवुड में स्पेशली। आपको पता है कि इंडस्ट्री जितनी दिखती है दूर से चकाचौंध वाली, वैसी एक्चुअली है दूसरों के लिए, लेकिन जो इसमें आता है, जो स्ट्रगल करता है, आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, जो भी है, तो उनके लिए बहुत मतलब संघर्ष होता है। एक्चुअली हम इसको संघर्ष नहीं बोलेंगे, एक जर्नी ही बोलेंगे, बट अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चीजें होती है, लोगों को आप पहले जानते नहीं है, धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तो सबके साथ नॉर्मल है। मतलब बेसिकली आप कहाँ से? जयपुर से बिलोंग करती हैं, हाँ जी, तो जयपुर से बॉम्बे आना कितना इजीली लग रहा था आपको? जयपुर में कि मैं जाऊंगी बॉलीवुड में, तो इजीली इजीली कितना मतलब टफ लगा आपको? कितना मेहनत करना पड़ा? वहाँ पे क्या सोचा था, यहाँ पे क्या? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्चुअली मैं हाँ जयपुर में मतलब एकदम से आ जाना अकेले और ये मॉडलिंग एक्टिंग में ट्राई करना किसी की भी फैमिली अलाउड नहीं करती है। तो जब मैं छोटी थी, बचपन से मेरा सपना था आने का, बट फाइनेंशियली कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से, और मैं बोलती थी पापा को कि पापा मुझे मॉडलिंग करनी है, तो पापा बोलते ये सब नहीं करना, पढ़ाई करो और गवर्नमेंट जॉब ट्राई करो। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है फिर। लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, फिर जॉब करने लगी, सेविंग्स की, और बस आ गई मुंबई सपना लेके, और पापा को झूठ बोल के आई मैं कि है ना, मैं मेरी जॉब लग गई है मुंबई में, तो मुझे जाना है। तो पापा ने बोला ठीक है, तो फिर मैं आ गई, अपने भाई को, छोटा भाई था तो साथ में लेके आ गई उसको, और फिर फ्लैट वगैरह सर्च किए, फिर धीरे धीरे काम कॉन्टेक्ट्स बनने लगे, ऑडिशंस देने जाती थी और प्रोडक्शन हाउसेज में, और थोड़ा ऐसे धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। तो मतलब आपका जो बचपन का सपना था, तो क्या कॉलेज में भी नाटक वगैरह में हिस्सा लेती थी आप कॉलेज टाइम पे, या कुछ ऐसा? हाँ मतलब मैंने कॉलेज में सिंगिंग की है, मैंने फैशन शोज किए हैं, और मैंने लाइव प्रेजेंटेशंस जो नाटक होते हैं वो सब मैंने किए हैं कॉलेज से ही, टाइम से ही मैं करते आ रही हूँ, इनफैक्ट स्कूल टाइम से करते आ रही हूँ। तो फैमिली का अब पहले सपोर्ट नहीं था, अब आज की डेट में आपने काफ़ी वर्क कर लिया। हरियाणा भी फिल्म भी की है आपने, और उसका हरियाणवी फिल्म के बाद में जब आपका जो सबसे पहला वर्क था, उसके बाद में फैमिली का क्या रिएक्शन था आपको लेके? मैंने हरियाणवी फिल्म से पहले एल्बम सॉन्ग्स भी किए थे जो रिलीज हो चुके थे, तो मतलब फैमिली काफी हैप्पी थी। मैंने मतलब फैमिली में सबको पता था, पापा को ही मैंने कुछ टाइम बाद बता दिया था, तो सब लोग बहुत खुश थे और देवर लाइक कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ये वो, और मैं भी खुश थी क्योंकि यार फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, इमोशनली भी और मतलब वैसे भी कि आते रहते हैं, अभी मेरी फैमिली आती रहती है और बहुत सारा प्यार करते हैं सब, और सबसे अप्रिशिएशन मिलता है, तो वो एक बहुत जरूरी चीज़ है। हरियाणवी फिल्म कैसे मिली थी आपको? अगर बात करें, एक लीड में बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, एक न्यू कमर पे एकदम से लीड दे देना, तो क्या टैलेंट, क्या ऑडिशन, के मतलब किस बेस पे मिली थी, क्या था, कुछ शेयर करो। एक्चुअली मैंने बताया थोड़ा एल्बम सॉन्ग्स वगैरह मैंने किए हुए थे, तो वो जो एक कांटेक्ट के थ्रू, मतलब कि मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि हरियाणवी अगर आपको आती है, तो मुझे आती है हरियाणवी थोड़ी बहुत, तो मैंने उनको, उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऑडिशन बना के सेंड करो, तो मैंने उनको ऑडिशन बना के सेंड किया, तो उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और मुझे स्टोरी भी अच्छी लगी, तो मैंने फिर कहा कि चलो ट्राई करते हैं इसमें, फिर मैंने किया, और हरियाणा में तो टचो गणपति बप्पा की दया से अच्छा खासा नाम है मेरा, तो या सॉन्ग फिल्म से पहले सॉन्ग किया था आपने, हाँ मैंने एल्बम सॉन्ग्स वो दो, मतलब क्या जयपुर में या राजस्थान में किया था, या मतलब बॉलीवुड में? नहीं वो यहीं का ही है, मुंबई में मैंने शूट किया था, और रैप सॉन्ग्स हैं वो, तो अच्छे हैं काफी। सबसे पहला आपका वर्क जो है वो सॉन्ग हाँ जी था बॉम्बे में आने के बाद में? जी नहीं, उससे पहले मैंने हैंड मॉडलिंग की थी, लेकिन वो तो वही मतलब हम दिख ही नहीं रहे तो कोई मैटर नहीं है, बट हाँ फेस के अगर एक्टिंग की उसमें बात करें तो हाँ एल्बम सॉन्ग्स की थी जब मैंने। आपको फिल्म मिली तो उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो फिर और आपने बॉलीवुड में ट्राई किया। बिल्कुल
इसके अलावा जो आपने अमेज़ॉन के लिए फिल्म की है उसका कुछ ब्रीफ करिए कि क्या है वो। हाँ, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, थोड़ी हॉरर है, और वो ट्रिप एंड ट्रैप नाम है उसका। और मैंने वो की है शूट, तो वो हम लोग 5 लोग हैं ट्रिप पे गए, तो ऐसे ही करिए कुछ स्टोरी है। वो US Amazon प्राइम पे रिलीज हो चुके हैं, इंडिया में भी जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और मैंने इसके अलावा एक वेब सीरीज की है जियो सिनेमा के लिए, नीरज पाठक सर हैं जिसके डायरेक्टर, और रणदीप हुडा सर हैं, रजनीश दुग्गल सर हैं, और अच्छे मार्केट के आर्टिस्ट हैं सारे, और उर्वशी रुपेला मैम लीड में है इसमें, तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर है छोटा। और या मैंने वो किया, किस तरह कैरेक्टर है उसमें? वो मेरा मुस्लिम कैरेक्टर है और मेरा पहला वो ऐसा कैरेक्टर है, मुस्लिम कैरेक्टर, और मतलब इतना ऐसा नहीं है, मतलब वो थोड़ा आप देखना, मैं भी ज्यादा रिवील नहीं कर सकती उसके बारे में। तो कैरेक्टर में उतरने के लिए क्या आपने मुस्लिम कल्चर को कुछ सीखा है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा एज इन कुछ वो नहीं था यार, वो भी मुस्लिम भी हमारी तरह ही इंसान होते हैं, तो नॉर्मल जैसा उनका रूटीन है वैसे ही, बस ड्रेसअप चेंज करना था बुर्का वाला। बचपन की कोई मुस्लिम फ्रेंडशिप काम आई होगी इस कैरेक्टर को निभाने? नहीं नहीं, मेरे ज्यादा मुस्लिम दोस्त नहीं है, बट हाँ है 2-3 लोग, बट ऐसा टीवी वगैरह में भी हम देख सकते हैं। और एक आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आप जो भी करेक्टर आपको दें आपको बस उसमें घुस जाना है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। और कुछ शेयर करना चाहेंगी अपनी लाइफ का कि मतलब अभी भी 5 साल हो गए आपको इंडस्ट्रीज में, उसके बाद में कितना और मेहनत करना पड़ रहा है, कितना और सीखने को मिल सीखना बाकी है, कुछ बताइए ऐसा। हाँ, अभी मतलब एक आर्टिस्ट की अगर आप बात करें तो कभी भी वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं होता, कि आपने अपना 100% देते हो आप, ऑब्वियसली कोई भी आर्टिस्ट है अपना 100% देता है, बट क्या होता है ना, उसको कहीं ना कहीं ऐसा रह जाता है कि यार नहीं, ये हम और बेस्ट कर सकते थे। और एक वही आर्टिस्ट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो जाओगे तो आप कुछ और सीखने की आस ही नहीं रहेगी आपने, तो हमेशा से ना एक भूख होनी चाहिए कि नहीं यार ये भी मेरे को करना है, ये भी करना है, ये भी मुझे सीखना है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। और मैंने अभी, मैंने आपको बताया कि मैंने अभी लास्ट मतलब 2 एल्बम्स और शूट किए हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं, और या बस गणपति बप्पा ने चाहा तो अच्छा होगा सब। अच्छा, आपका आइडियल कौन है बॉलीवुड में अगर मतलब मुझे एज एन एक्टर बात करें तो मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती हैं, वो बहुत अच्छी सुपर एक्ट्रेस हैं, मतलब एज एन उनको कोई भी कैरेक्टर दो वो बस उसमें घुस जाते हैं, कि मतलब एकदम चबा जाती हैं एक्टर मतलब उसको कैरेक्टर को, तो मुझे वो बहुत पसंद है। बॉलीवुड में कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ में आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है कि आप उसके साथ में काम करें? मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, मुझे उनके साथ काम करना है, और कार्तिक आर्यन और वरुण धवन। तीनों में से किसी एक को अगर चूज करना पड़े? ऋतिक रोशन। कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपके आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ है, बट वो आपको उसके लिए स्टे ट्यून रहना होगा, तो आई विल टेल यू। अच्छा, अमेज़न वाला जो आपने बताया वो क्या है, उसका थोड़ा सा और ब्रीफ करिए ना कि मतलब वो एक शॉर्ट फिल्म है, रिलीज इंडिया में, हाँ रिलीज वो जल्दी ही हो जाएगी अमेज़न पे प्राइम पे, US में इंटरनेशनली जो है वो रिलीज हो चुकी है, और उसका एक पार्ट अभी आया है और ट्रेलर तो आ चुका है, और उसका सेकंड पार्ट भी हम लोग शूट करने वाले हैं, और जल्दी ही वो भी हम शूट पे जाएंगे। और ये थोड़ी हॉरर स्टोरी है, 5 फ्रेंड्स ट्रिप पे गए, आप समझ ही होंगे नाम से, ट्रिप एंड ट्रैप। तो नेटफ्लिक्स के लिए भी तो आपने काम किया है ना? हाँ, अभी रिलीज नहीं हुआ है यार, इंडस्ट्री में यही चीजें होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है चीजों को, तो मेरी फैमिली भी यही पूछती रहती है यार ये तूने किया था, ये आया नहीं, वो किया था वो आया नहीं, तो मैं कहती हूँ यार टाइम लगता है सब चीजों में, धीरे धीरे को सब होगा। फैंस अगर आपके साथ में जुड़ना चाहें तो कुछ कैसे जुड़े हैं कुछ बताइए? फैंस तो अब जब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अद्विका शर्मा ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे आप जा सकते हैं, फेसबुक पे आईडी है, ट्विटर पे है, और व्हाट्सएप है, बट मैं इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हूँ, तो हाँ वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए क्या अपील करेंगे, आपसे किस तरह प्यार करें, कैसे आपके साथ में जुड़े और क्यों जुड़े? मेहनती बताइए। हाँ ऑब्वियसली मेहनत तो हम करते ही हैं बहुत ज्यादा यार,
कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि यार ये कर रहा है एक्टिंग, क्या मुश्किल है, हम भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो करता है ना उसको ही पता होता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कैमरा के सामने आते ही ऐसा हो जाता है। जब मैं स्टार्टिंग में करती थी और मुझे ना ऐसा होता था कि यार ये मैं कर लूंगी ना, हाँ ठीक है ठीक है, तो ऐसा होता था। बट फिर करते गए थोड़ा एक्सपीरियंस आता गया, तो अभी तो कैमरा तो सबसे बेस्ट फ्रेंड है हमारा। तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फैंस आपके साथ में अच्छा क्यों जुड़े हैं? क्यों जुड़े? क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, नेचर भी मेरा बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे एटीट्यूड एटीट्यूड नहीं है मुझे। वैसे लोगों को लगता है ऐसा। हाँ मैं ज्यादा मतलब अभी भी डीएम्स वगैरह आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ सबको। और मैं हमेशा बहुत पंक्चुअल हूँ एक्चुअली टाइम की। काम वाम लोग मेरे साथ करेंगे तो भी मैं अच्छा रिस्पॉन्स देती हूँ। और फैंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे मतलब जो भी मुझे एडमायर करेंगे तो मैं सबसे ऑब्वियसली बहुत प्यार करती हूँ, और जो मुझसे प्यार करते हैं मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए आपके साथ में जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। टाइम के पंचुअल जो आप बोल रही हो, किससे एक्सपिरेशन से लिए हैं आपने? टाइम देखो, अमिताभ बच्चन सर हैं, हम उनका एग्जाम्पल हैं, तो वो कभी भी, अक्षय कुमार सर भी हैं अक्षय आपके कुमार साथ। सर भी हैं एग्जैक्टली, वो सुबह उठते हैं। उन्होंने उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है जो उन्होंने उगता सूरज नहीं देखा हो। तो ये सब इतने अच्छे अच्छे स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े मतलब हैं आर्टिस्ट, तो जब वो इतने पंक्चुअल हैं तो क्यों नहीं मैं। क्योंकि आजकल सब ऐसा ही सोचते हैं यार लेट होंगे तो हमारी वैल्यू होगी और ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अभी सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं टाइम की पंक्चुअल होके मैं एक अलग से तो निकलूंगी। इनका ट्रैक आपने पकड़ के रखा हुआ है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल आपको लगता है टाइम का पाबंद होना सक्सेस की निशानी है? हाँ बिल्कुल। अब सब पे डिपेंड करता है, बट मेरी तरफ से ये मेरी की ऑफ सक्सेस यही है कि टाइम का पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आप टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।